15D. किसके स्फीयर के बारे में एंड हेमिस्फीयर के बारे में? तो सबसे पहले तो बात करें अगर हम स्फीयर की, स्फीयर, तो स्फीयर इस तरह से दिखाई देगा आपके पास, और ये उसके पास एक रेडियस होगी, ये उसका सेंटर है और ये एक रेडियस वो रखता है, और इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? सरफेस एरिया इसके लिए होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम, तो वो किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप दोनों ही चीज़ें निकालने के लिए, चाहे सरफेस एरिया निकालना हो चाहे इसका वॉल्यूम निकालना हो, सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेडियस की। रेडियस पता हो, ये दोनों क्वांटिटी आसानी से निकल जाती हैं। फिर इसके बाद सेकंड जो क्वांटिटी हमें यूज करनी है इस एक्सरसाइज में, वो है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर जो है वो स्फेयर का हाफ पार्ट होगा। स्फेयर को हाफ कर देंगे तो क्या बन के तैयार होगा? हेमीस्फेयर। इसकी रेडियस भी उतनी ही है जितनी इस स्फीयर की है, आर। ओके, तो इसका अब दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो इसका कर्व वाला पार्ट होगा, सिर्फ उसका एरिया निकालना हो तो हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर एरिया के हाफ के इक्वल होगा। हेमीस्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर इसका हाफ कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर बात करनी है हमें इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो होता है वो 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब, इसका हाफ के इक्वल होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर के वॉल्यूम के हाफ के इक्वल। तो ये जो फॉर्मूले हैं, सिर्फ ये फॉर्मूले आपको चाहिए और फिर आप बड़े आसानी से कर सकते हो एक्सरसाइज 15D, बहुत आसानी से, ठीक है? कैसे कर सकते हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस। रेडियस हमें गिवन है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दो क्वांटिटी निकाल कर देनी है, ठीक है? तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। चलो पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी किसकी बात करनी है? स्फीयर की बात करनी है ना? ओके, ठीक लिखा है मैंने, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ वैल्यू पुट करना है, 4 × π की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 3.5, इसका क्या? स्क्वायर, ठीक है? इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करिए, 4 × 22/7 × 3.5 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? ये मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 7, 154। कितना बन जाएगा? 154। इतना क्या? सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसका आपको वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 ऐसे ही, ठीक है? पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 3.5। 3.5 का क्या? ओके, सिर्फ आपको रेडियस की वैल्यू यहां पर पुट करनी होती है, और रेडियस की वैल्यू पुट करने के बाद बस कैलकुलेशंस को आप करते हो और फिर आपके पास जो है वो सामने बन जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 179.7, 179.67। इतना क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से रेडियस निकालेंगे और इस तरह से इसका वॉल्यूम निकालेंगे। दोनों के लिए सिर्फ आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो वो वैल्यू आप पुट करोगे और आपका आंसर सामने निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज
38808 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें गिवन है कितना, 38808 इतना सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस एंड हैंड्स इट्स सरफेस एरिया, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 38808 इसके इक्वल चल रहा है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यूब ऐसे ही, ठीक है ओके। ये सारी क्वांटिटी इधर लेकर चले जाओ, 38808 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, और ये सब डिवाइडेड बाय क्या, 4/22 डिवाइड में लेकर आ जाओ, ठीक है इस तरह से। अच्छा अब इसके बाद इस क्वांटिटी को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 38808 ये डिवाइडेड बाय 22, तो ये 1764 बन जाएगा, और इसको मैं 4 से डिवाइड करा देता हूँ तो ये 441 बन जाएगा, ठीक है 441। तो इससे ये क्वांटिटी 441 टाइम कैंसिल आउट हो चुकी होगी, और 441 इंटू 7 इंटू 3 ये क्वांटिटी भी हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 27 इंटू 3 ये बनेगा 9261, और 9261 क्यूब रूट ऑफ 9261 ये बनेगा 21, ठीक है। ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करा लो तो 9261 बन जाएगा, और इसको 9261 को हम 21 का क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारा आर है ये 21 आ जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू पता चल गई, रेडियस की। ये रेडियस की वैल्यू उठाओ और इसके बाद एरिया निकाल लो, सरफेस एरिया, ठीक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्फीयर की बात हो रही है तो 4πr² ओके, 4 ऐसे ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, 21, तो 21 का क्या स्क्वायर, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करा लो, और सॉल्व करने के बाद आपका एरिया का आंसर निकल कर आ जाएगा, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है और जो भी होगा वो आपके सामने आंसर बन जाएगा। और ये आंसर जो आपके सामने बनेगा कितना बन जाएगा, ये 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर लिखकर पहले किसकी वैल्यू निकाल लोगे, रेडियस की, फिर रेडियस की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो किसका आंसर आ जाएगा, एरिया का आंसर। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 606.375 ओके। यहाँ से 4/3 ऐसे ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में क्या चल रहा है, आर क्यू, और इक्वल्स टू 606.375 यहाँ पॉइंट है ओके। ये 3 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर जाओ, 606.375 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 4/22 डिवाइड में लेकर आ जाओ, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, आर क्यूब के। अब आर क्यूब ऐसे ही ठीक है, इस क्वांटिटी को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 606.375, इसको हम डिवाइड करा लेते हैं किससे, 4 से, और डिवाइड करा लेते हैं 22 से, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 3 से, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है। और जो हमारा आंसर आया है, ठीक है जो हमारा आंसर आया है, उस आंसर का हमें क्यूब रूट निकालना होगा, तो ये 5.25 बन जाएगा, कितना
5.25, ठीक है बच्चों, कितना बन जाएगा 5.25 बन जाएगा। यहाँ पर ये सब कुछ सॉल्व कर ले गए और ये 5.25 का होल क्यूब के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से जो रेडियस है हमारी वो कितनी आ जाएगी 5.25। क्या करना होगा, पहले इन सब का मल्टीप्लाई करा लो और इसको 88 से डिवाइड करा दो, जो भी आंसर आ रहा होगा वो 5.25 का होल क्यूब रहा होगा। तो वहाँ से रेडियस का आंसर कितना आ जाएगा 5.25 मीटर। अब रेडियस पता चल गई तो सरफेस एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। 4π की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी 5.25, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं और जो भी होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। कितना आंसर बनेगा इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, ये बन रहा होगा 346.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 346.5 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेडियस की, और रेडियस हम किससे निकालेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम हमारे पास 4/3πr³ होता है, बट ये तो पहले से गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी, रेडियस। वो रेडियस की वैल्यू वहाँ पुट करोगे तो एरिया का आंसर आ जाएगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद इसी की तरह एक और आसान वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 cm². अब इस बार हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया कितना 154 cm², और वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो रेडियस पहले हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4πr² और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 154 के। 4 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और r² इक्वल टू में कितना 154। r² ऐसे ही ठीक है, 154 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे 4 और 22, ये आ जाएगा 422 नीचे और 7 मल्टीप्लाई में। अब 22 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो इधर क्या चल रहा है r² और ये 7 × 7 का स्क्वायर और 4 को हम 2 का स्क्वायर, यानी 7/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से रेडियस का जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 7/2 cm, ठीक है। ये रेडियस की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लिख दोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ 4/3 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी कितनी, 7/2, वो यहाँ पर लिख लो 7/2, इसका क्या होल क्यूब, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो, इस क्वांटिटी को सॉल्व करके आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करके कितना आंसर बनना चाहिए, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा वो 179.67, ठीक है। कितना बन जाएगा, 179.67 इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका इसका आंसर बन रहा होगा। तो पहले जो दो क्वेश्चन किए उसमें वॉल्यूम गिवन था, सरफेस एरिया निकालना था, तो वॉल्यूम गिवन था तो वॉल्यूम से रेडियस निकाली फिर सरफेस एरिया निकाला। इस क्वेश्चन में उल्टा, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तो चाहे वॉल्यूम निकालना हो स्फीयर का या सरफेस एरिया निकालना हो, सिर्फ रेडियस की ज़रूरत होती है। तो सरफेस एरिया गिवन है तो उससे रेडियस निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम गिवन हो तो उससे रेडियस निकाल लेंगे, फिर सरफेस एरिया निकल जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूँ, देखिए। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 576π² सरफेस एरिया कितना गिवन है, 576π इतना cm². क्या निकालना है, वॉल्यूम। आसान वाला क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का 4πr² और इक्वल टू में क्या लिखा है, 576π। पाई से पाई कैंसिल, 4 कहाँ आएगा, डिवाइड में।
ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल करा दो, 4 बन जा 4, फिर यहाँ पर आप 4 4 जा 16 है ना, ये आ जाएगा, फिर 4 4 जा 16 144 बना। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस पता चल गई। अब रेडियस पता है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 12, इसका क्या क्यू। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा, ये बच्चों हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2304, कितना 2304, इतना पाई, जो आंसर हमें दिया हुआ है वो आंसर कितने में देना है, पाई में ही दे देना है हमारा। तो इस 22/7 को तो ऐसे पाई ही लिखा रहने दो, और बाकी का जो नंबर है मतलब 12 का क्यूब इंटू 4/3 सॉल्व करके 2304 बन जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, पाई, ऐसे इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप चाहो तो अपना पाई की वैल्यू पुट करके और फिर सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर दे सकते हो, या अब अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया पाई की फॉर्म में गिवन है तो आप चाहो तो अपना आंसर पाई की टर्म में वॉल्यूम का भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, रेडियस पता होनी चाहिए बस वॉल्यूम निकालने के लिए। तो सरफेस एरिया की हेल्प से हमने रेडियस पता कर ली, रेडियस मात्र पता है आपको तो वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लेड शॉर्ट्स ईच 3 mm इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन दिस। ओके, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड की बात करनी है, ठीक है, कर लीजिए क्यूबॉइड की बात। उस क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन गिवन है, क्या गिवन है, डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये हमें गिवन है। ओके, तो ये क्यूबॉइड जो है वो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल कर आ जाएगा। लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ 11 और हाइट कितनी है 9, ठीक है, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना बनेगा, 12 इंटू 11 इंटू में क्या 9, ये 1188, कितना बन जाएगा 1188, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्यूबॉइड से क्या बनाए गए, लेड शॉट्स, छोटी छोटी कांच की गोलियां बनाई गई ऐसे। वो पूछ रहा है कितनी बनाई जा सकती हैं ऐसी गोलियां, अगर इसको मेल्ट करके ये बनाए जा रहे हैं, तो हमने माना n लेड शॉट्स बनाए जा सकते हैं वहाँ पर। उन n लेड शॉट्स का वॉल्यूम और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपस में कैसा रहा होगा, इक्वल रहा होगा, क्यों, क्योंकि इन क्यूबॉइड से ही वो n लेड शॉट्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n इंटू, अब अगर याद चाहो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालते हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने हैं, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि जिससे वो बनाए जा रहे हैं, किससे बनाए जा रहे हैं, क्यूबॉइड से, उसके वॉल्यूम को 1 लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स। ठीक है, तो क्या निकल कर आ जाएगा, नंबर ऑफ लेड शॉट निकल कर आ जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमने निकाल लिया, आप एक लेड शॉट का वॉल्यूम भी निकाल कर रख लो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, ये भी आप निकाल कर रख लो। अब जो लेड शॉट हैं वो क्या हैं, स्फेरिकल हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का 4/3 πr³, 4/3 ऐसे ही ठीक है, पाई ऐसे ही ठीक है। रेडियस की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे, तो जो लेड शॉट बनाए हैं वो 3 mm डायमीटर का है, तो जो लेड शॉट है इसका डायमीटर कितना है, 3 mm, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 3
3/2 mm, कितनी होगी 3/2 mm, और इस 3/2 mm को हम किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में, तो 3/2 को डिवाइड करा दो किससे, 10 से, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करा दे किससे, 10 से, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3/20 cm, तो ये रेडियस वहाँ पर पुट करनी होगी आपको, ठीक है, 3/20, इसका क्या होल क्यूब, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रख लेना, ऐसा, ये 1 lat/s का यहाँ से वॉल्यूम निकल कर आएगा, तो कितना बनेगा, ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 × 4 × 22 × 3³, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 3 / 7 / 20³, तो ये बनेगा 0.01414, इस तरह से कुछ बनेगा, ऊपर तो आ रहा है 188 और नीचे 0.14, कितना बन रहा है हमारे पास, 1414, ऐसे बन रहा है 1414, ऐसे कुछ, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1188 डिवाइडेड बाय 0.01414 बन रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये कुछ 84,000 के आसपास आंसर बन जाएगा आपका, यहाँ पर ना 0.01414 बन रहा है, 0.01414 ऐसे कुछ बनेगा, और इससे आपका आंसर कितना बन जाएगा, 84,000, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ली है मैंने, ओके 22/7 ही लेकर चलनी है, इस तरह से बन जाएगा, तो फिर से डायमीटर कितना है लेड शॉट का, 3 mm है, तो रेडियस कितनी होगी, 3/2 mm, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करा दो, 10 से, तो ये 3/20 cm रेडियस हो जाएगी एक लेड शॉट की, और लेड शॉट क्या है, स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 3/20 cm³, ऐसे, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को एक लेड शॉट का ये जो वॉल्यूम है इससे डिवाइड करा दो, तो नंबर ऑफ लेड शॉट निकल कर आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है हमारे पास 1188, ओके, और इसका जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो 0.01414 समथिंग आ रहा होगा, इससे इसको डिवाइड कराओगे तो आंसर आपका कितना बन जाएगा, 84,000, ये जो क्वांटिटी है आप चाहो तो पूरी भी लिख लेना, 4 × 22 × 3³ डिवाइडेड बाय 3 / 7 / 20³, तो ये 0.01414 2857, ठीक है ना, ऐसा, ये पूरा चाहो तो पूरा लिख लेना, ऐसा बनेगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 84,000 आपका आंसर बन रहा होगा, इस तरह से, ठीक है ना, 1188 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी 84,000 आपका एग्जैक्ट आंसर बन रहा होगा, तो इस तरह से हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को एक इस, क्योंकि इसी क्यूबॉइड से लेड शॉट बनाए गए हैं, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इस लेड्स इन ये जितने भी लेड शॉट हैं उनका वॉल्यूम आपस में कैसा होगा, इक्वल, तो नंबर ऑफ लेड शॉट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 lat/s किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, तो नंबर ऑफ लेड शॉट निकालने का तरीका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 lat/s, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने निकाल ही लिखा था पहले से, एक लेड शॉट का वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाल लिया, ये कितना निकल कर आया हमारा, 0.01414 2857, इतना क्या cm³, ठीक है, इस वॉल्यूम से जब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना बन रहा होगा, 84,000, ये आंसर बन जाएगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, 8 सेंटीमीटर रेडियस का, इससे बनाने हैं लेड शॉट, जो कि कितने कितने सेंटीमीटर के बनाने हैं, 1 सेंटीमीटर के। ये कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के। तो वो पूछ रहा है कितने बन जाएंगे ऐसे, तो आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। नंबर ऑफ आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ लेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ लेड बॉल्स जो होगा, नंबर ऑफ लेड बॉल्स कैसे निकालोगे, इसको ऐसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर को डिवाइड करा दोगे किससे, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर या वन स्मॉल लेड शॉट, वन लेड शॉट, ठीक है, या लेड बॉल जो भी है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, तो आंसर 4/3 πr³। इसकी रेडियस कितनी लेकर चलेंगे, 8 का क्यूब, ठीक है। अब इसी से ये लेड शॉट बनाए जा रहे हैं, तो हमने इसके वॉल्यूम को इस एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ लेड शॉट पता चल जाएंगे, लेड बॉल पता चल जाएंगे। अच्छा, एक लेड बॉल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो क्योंकि ये भी स्फीयर है, तो 4/3 πr³, इनकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रेडियस की जगह 1 लिख दोगे, ठीक है। फिर 4/3 से 4/3 π कैंसिल, ठीक है ना। फिर 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या, 1 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लेड शॉट निकल कर आ जाएंगी, और ये कितनी बन जाएंगी हमारे पास, 512, कितनी बन जाएंगी, 512, 8 का क्यूब कितना, 512, इस तरह से। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। तो जैसे क्वेश्चन उसमें था क्यूब, 6th वाले क्वेश्चन में क्यूबॉइड से लेड बॉल्स बनाई जा रही थी, इसमें स्फीयर से लेड बॉल बनाई जा रही है, तो जिससे बनाई जा रही है उसके वॉल्यूम को एक लेड बॉल के वॉल्यूम से क्या कर दो डिवाइड, तो नंबर ऑफ लेड बॉल्स पता चल जाती हैं। इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इससे स्मॉल बॉल बनाई जा रही है 0.6 डायमीटर की, तो इस स्मॉल बॉल का जो वॉल्यूम रेडियस रही होगी वो कितनी, 0.3 सेंटीमीटर ऐसे। तो क्योंकि इससे ये बनाया जा रहा है, तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से क्या कर दो डिवाइड, तो इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 π, इसकी रेडियस कितनी है, 3, इसका क्यूब, और 4/3 π, और इसकी रेडियस कितनी है, 0.3, इसका क्यूब, 4/3 π से 4/3 π कैंसिल हो जाएगा, 3 के क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 को 3 बार लिख लो, और यहाँ पर 0.3 के क्यूब का मतलब क्या होगा, 0.3 को 3 बार लिख लो, यहाँ से पॉइंट हटा लो, तीनों जगह से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, और फिर इन 3 से ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 1000, ये हमारे पास बॉल्स निकल कर आ जाएंगे। तो अगर इससे मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो इसके वॉल्यूम को एक बॉल के वॉल्यूम से क्या कर दो डिवाइड, तो नंबर ऑफ बॉल्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से 8th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या गिवन है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया, और इसको इससे बनाए गए स्मॉलर कोन्स, इससे कोन बनाए गए, ठीक है, क्या बनाए गए, इससे कोन्स बनाए गए, जिनकी में से ईच कोन की जो रेडियस है वो 3.5 थी, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, और हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी, 3 सेंटीमीटर, ओके। तो कितने कोन बन जाएंगे ऐसे, ये वो पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल आसान है निकालना, कैसे, इस स्फीयर को मेल्ट करके ऐसे कोन बनाए गए, तो क्योंकि इससे मेल्ट करके ये बनाए जा रहे हैं, तो कितने कोन बन गए होंगे ऐसे,
तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स ये आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए जिससे ये कोन बनाए जा रहे हैं स्मॉलर कोन, उसके वॉल्यूम को एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड करा दो किससे, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर कोन, ठीक है, इससे डिवाइड करा दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ एक स्मॉल कोन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 1/3 और साथ में क्या πr²h, ठीक है, ऐसे निकालोगे। ओके अच्छा, अब पाई से तो पाई कैंसिल कर दोगे, 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4। और आर क्यूब यानी रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी लेकर चलोगे, 10.5। 10.5 का क्या क्यूब, और नीचे r²h, r की वैल्यू कोन के लिए स्मॉलर कोन के लिए कितनी है, 3.5, इसका क्या स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, 3, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करोगे और वहाँ से आपके पास क्या निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ कोन्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो सॉल्व होकर आएंगे ये बन जाएंगे 126, कितने बन जाएंगे 126, इसको सॉल्व कर लेना तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स निकल कर आ जाएंगे 126। तो ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8th 9th, है ना, इससे पहले आपने 5th 6th जितने भी किए हैं सब में यही हो रहा है क्या, कि कभी स्फीयर से कोन बनाए जा रहे हैं, कभी स्फीयर से बॉल बनाई जा रही है, कभी क्यूबॉइड से बॉल बनाई जा रही है। तो सब में यही करना है, जिससे बनाया जा रहा है उसको एक बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, अगर इससे एक कोन बनाए जा रहे हैं तो इसको एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वहाँ पर नंबर पता चल जाते हैं कितनी क्वांटिटी एक जैसी ये बनाई जा सकती है। ये हो गया 9th। इसके बाद नेक्स्ट इसकी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी स्फीयर 12 cm इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ मेटेलिक सिलेंडर। अब इस बार सिलेंडर से बनाना है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 8 cm है, डायमीटर 8 cm और हाइट 90 cm है, हाइट 90 cm। इससे क्या बनाने हैं, इससे हमें बनाने हैं स्फीयर जिनका डायमीटर हमें गिवन है कितना, 12 cm, ठीक है। तो पूछ रहा है आप कितने स्फीयर बन जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल आसान है, सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इस सिलेंडर से अगर ये स्फीयर बनाने हैं तो नंबर ऑफ स्फीयर पता करने हैं अगर आपको, नंबर ऑफ स्फीयर्स, तो क्या करोगे आप नंबर ऑफ स्फीयर पता करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, जो कि सिलेंडर से बनाए गए हैं ना मेल्ट करके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करा दोगे किससे, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है, 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब रेडियस के ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, तो डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितनी रही होगी, 4 cm, तो यहाँ पर रेडियस की जगह क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 90 upon, नीचे ये 3 तो मैंने ऊपर भेज दिया, यहाँ पर ये आ गया, अब नीचे 4 बचा हुआ है, और स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, अब डायमीटर हमें गिवन है कितना, 12, तो रेडियस कितनी रही होगी, 6 cm, तो यहाँ पर लिख लो 6 का क्यूब, रेडियस का क्यूब मतलब 6 का क्यूब। इस टोटल क्वांटिटी को आप सॉल्व करा लो, जो भी है वो सॉल्व करके आपका आंसर बन जाएगा और वहाँ से आपके पास नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो नंबर कितने निकल कर आएंगे बच्चों, देख लो, चेक कर लो कितने निकल कर आएंगे, ये कैलकुलेशन करा लो। तो ये कैलकुलेशन कराने पर आपके पास कितने बन रहे होंगे, 5,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो ऐसे स्मॉल नंबर ऑफ स्पेयर कितने बन सकते हैं? 5 बन सकते हैं। कब? जब इस सिलेंडर से ये बनाए जाएंगे, इसको मेल्ट करके ये बनाए जाएंगे। तो जितने भी मेल्ट करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेंडर से स्पेयर या सिलेंडर से कोन आ जाए या स्फीयर से कोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिसको मेल्ट किया गया उसके वॉल्यूम को ऊपर रखोगे और जो बनाया जा रहा है उसके किसी एक के वॉल्यूम से डिवाइड करा दोगे, तो वहाँ पर नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर